दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। देखिए, रीजनिंग और मैथ पे बिहार एसएससी में ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितना कम पढ़ के आप 75 में 70 स्कोर कर सकते हैं मैथ रीजनिंग में, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसका 5 गुना भी पढ़िएगा ज़्यादा टाइम देके, तो आप जीके जीएस में उतना कर नहीं पाइएगा। 75 में 70 लाना नामुमकिन है जीके जीएस और साइंस में, लेकिन 75 में 70 लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब आसान इन द सेंस, यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो, और उसमें आपको रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है। रीजनिंग के बुक के बारे में शुरू से, जब हम लोग एक बैच बना था बिहार एसएससी का, हम लोग का एक पेड बैच जो बना था, उसमें मैंने कहा था कि आपको मैथ के लिए करंट का सोल्व पेपर और रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर का पेपर ले लेना होगा। देखिए, ये वाली बुक है, मैं इस वाले बुक को फिर से, काफ़ी लोगों ने कहा था कौन सी बुक लेनी है, इस वाली बुक को मैं इसलिए इस बता रहा हूँ कि इसमें देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि CGL, Tier 1, CPO, DPSI, CHSL, जो भी SSC के एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो उसमें प्रश्नों की जो प्रकृति रहती है कमोबेश बिहार एसएससी के प्रश्नों में भी वैसा ही रहता है। आप इसे चेक कर सकते हैं, तो प्रश्नों का जो लेवल होता है आप इसे इसको मिला सकते हैं। तो इन दोनों के प्रश्नों में समानता है, और CGL, CPU ऐसे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग में लोग 50 में 50 करते हैं। इसके प्रश्नों को मैंने प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर से, मतलब जो बिहार एसएससी में आए हुए हैं, मिलाया है। एग्जैक्टली प्रश्न मिले हैं मैथ के, मैंने बना के रख दिए हैं। 25 प्रश्नों में 21-22 प्रश्न जो हैं बिहार एसएससी के, सॉरी मतलब जो सेंट्रल लेवल के एसएससी के एग्ज़ाम हैं उससे आए हैं, ठीक है। तो अभी उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, ये वाला पहले। इस पे मैंने इसलिए ज़्यादा फोकस करने को कहा है, मैथ से, मैथ तो आपको करना ही है। मैथ को थोड़ा सा आप टाइम लगा के भले सीख सकते हैं, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको कम समय लगेगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट किरण पब्लिकेशन वाली बुक इसलिए है कि इसमें इन्होंने कंपाइलेशन कर रखा है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। देखिए, बिहार एसएससी में जो सिलेबस में है रीजनिंग, इसमें एग्जैक्टली इतने ही टॉपिक हैं, 25-26 टॉपिक हैं, इसमें से कुछ नहीं है, लेकिन सारे के सारे मिसलेनियस में आ जाएंगे जो इसमें नहीं है, जो मतलब बिहार एसएससी के बुक में नहीं है। इसमें से कितने प्रश्न आएंगे, मान लीजिए कि यदि 50 प्रश्न आते हैं तो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, एनालॉगी से 7 आते हैं, ब्लड रिलेशन से 1, सिंबल नोटेशन से, ऐसे करके दिया हुआ है। इतने में जो मतलब यहाँ ए बंटवारा किया गया है 50 प्रश्नों का, एग्जैक्टली सेम बंटवारा ऐसे ही रहेगा। देखिए, इसमें खास बात क्या है कि प्रश्नों की संख्या तो इस बुक में 12,000 के आसपास है, लेकिन यदि आप इसको बनाने बैठेंगे तो मान लीजिए कि इधर से 10 बनाते हैं, फिर अगले पेज से बढ़ते हैं, ऐसे करके आप बनाएंगे, और बस खाली इस बुक पे यदि आप 10 दिन 7 दिन 8 दिन देंगे तो पूरा बुक बन जाएगा। बट अदरवाइज आप डेली मैथ रीजनिंग के अलावा जीके जीएस पढ़ रहे हैं, उसका 25% इसको देते हैं, तो आप 50 में 45, 46, 47 कर सकते हैं। इस बुक में जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के हैं, बुक्स बहुत हैं मार्केट में, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को बिहार एसएससी अपना जो प्रश्न बनाती है रीजनिंग बनाने के क्रम में, उसको नज़र में रखेगी। तो आप इसके प्रश्नों को अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए बिहार एसएससी में और सेंट्रल के एसएससी में, तो उसमें मिलाइएगा, तो कहीं ना कहीं फैक्ट छोड़ के, इवन मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेट का मतलब क्वेश्चन खोज के दिखा दूंगा कि डायरेक्ट बिहार एसएससी के प्रश्नों को सेंट्रल लेवल के एसएससी से मिलाया गया। हालांकि उतना समय नहीं है, लेकिन मैथ का मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको मैं बाद में डालूंगा। 25 में से 20-21 मैंने बार बार कहा है कि प्रीवियस ईयर से मिला है, तो इस प्रीवियस ईयर को यदि आप सॉल्व करेंगे तो 100% बेनिफिट होगा। और यदि आप नॉर्मल यदि पढ़ते हैं, इस पर कम टाइम दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बिहार के बच्चों की प्रवृत्ति जीके जीएस में ज़्यादा करेंगे कर रहे हैं, वैसे नॉर्मल भी अगर आप रीजनिंग बनाते हैं तो 35-36 तो हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो इसमें देखिए सॉल्यूशन दिया, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 38-39-40 प्लस हो जाएगा, लेकिन यदि आप और उसका 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो आपको 46-47-48 तक जाएंगे, जो जिनका इसमें सिलेक्शन होगा। देखिएगा, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे रहेंगे वो 50 में 50 ले आएंगे, मैथ में 25 में, वो अपना 75 इधर ही सेव कर लेंगे, तो आप उस ढर्रे पे क्यों नहीं चलें। इसमें भी आप 47-48 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जीके जीएस में 47-48 आप कभी भी नहीं कर सकते। तो इस बुक को जाके आप मार्केट से ले लीजिए, 100% बेनिफिशियल है। हम लोगों ने दरोगा में रीजनिंग और मैथ के लिए इतना जोर नहीं दिया था कि आपको पढ़ना है, लेकिन बिहार एसएससी में मैथ रीजनिंग का इतना स्कोप है और मतलब इतना वैल्यू है।
जो बिहार दरोगा का हमारा बैच चला था उसमें हमने जीके जीएस पे फोकस किया था। मेंस में हम लोगों ने जो चलाया था उसमें मैथ रीजनिंग का भी थोड़ा सा वैल्यू एडेड था, तो उसमें हम लोगों ने उस हिसाब से करा था। बट यहाँ पे 50-50% है। मान लीजिए कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, सपोज दैट अभी, तो 4 घंटे यदि आप मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं और 4 घंटे आप जीके जीएस में सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उस 4 घंटे में आप मैथ रीजनिंग में 70, अभी से यदि आप पढ़ोगे तो 4 घंटे में 70 में 70 करके आओगे, दावा है। और जीके जीएस में यदि आप अभी आप शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको मतलब संशय है कि इसको भी कवर करना है, इसको भी करना है, तो मैथ रीजनिंग पे फोकस करिए और जो जीके जीएस की पुस्तकें हैं उसको थोड़ा सा कॉन्साइज कीजिए। मैं साइंस पे थोड़ा सा फोकस करना है, जीके जीएस में जो साइंस का पोर्शन है वो, मतलब ऐसे इसमें स्पेसिफिक साइंस रखा है लेकिन वैसे अलग से, साइंस हर एग्जाम में नहीं आता, इसमें है। तो सबसे पहले आपको साइंस पे फोकस करना है 25 प्रश्नों के लिए, फिर करेंट पे करना है 10-12 प्रश्नों के लिए, फिर हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, मिसलेनियस वगैरह, लूसेंट क्राउन उसके लिए काफ़ी है। लेकिन रीजनिंग और मैथ को आप टाइम दीजिए, 75 में 70 स्कोर करिएगा। और उधर 75 में भी आप 40 भी स्कोर कर पाते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे हो आते हैं उस आधार पे, अगर इजी होंगे तो सबके लिए इजी होगा, लेकिन मैथ रीजनिंग पे यदि आप फोकस कीजिएगा तो 100% रिजल्ट गिरेगा। तो ये मार्केट से आप बुक ले सकते हैं, मैं मैथ वाला बुक भी बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि देखिए प्रश्न कहाँ से मिला है। 350 का बुक मिलता है मार्केट। हम लोग, मैंने शुरू में CPU जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, CGL भी मैं फाइनल तक पहुंचा था, यही बुक पढ़ा था, मैथ का, रीजनिंग का। इससे और इसमें खास बातें होते हैं कि इसमें समझाने के तरीके भी ईजी तरीके से दिए हैं। तो आप इसको करिए, रीजनिंग पे फोकस करिए, मैथ पे फोकस करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।